हरलाखी थाना क्षेत्र में डायल 112 पुलिस की वाहन के चालक ने एक सत्तू बेचने वाले को बेरहमी से पीट पीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा। जख्मी की पहचान अमित कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार डायल 112 की पुलिस उमगांव CHC में एक जख्मी को छोड़कर लौट रही थी। इसी क्रम में बाजार चौक पर तेजी से बाइक लेकर जा रहे सत्तू बेचने वाले पर शक के आधार पर डायल 112 के चालक ने पीछा करना शुरू किया। महज कुछ ही दूरी पर विजय मार्शल के मकान, जिसमें सत्तू बेचने वाला किराए पर रह रहा है, उस मकान के सामने सत्तू वाले बाइक को खड़ी करता है, जहां डायल 112 के चालक समेत अन्य पुलिस बलों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आनंद फानन में जख्मी को एक निजी क्लिनिक में ले जाकर भर्ती किया गया है। इधर पुलिस की दबंगई को देख आक्रोशित लोगों ने पुलिस को बंधक बनाकर बवाल काटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी मौके पर पहुंचे, फिर जख्मी को इलाज का पैसा दिलाने व दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। विदित हो कि डायल 112 के चालक की दबंगई क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोग बता रहे थे कि इससे पूर्व भी वह कई जगह बेवजह मारपीट की घटना को अंजाम दे चुका है। सारा शरीर छोड़ के मगज पे मारा है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन उसको शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो उसके ब्रेन पे ही रात से कुचल कुचल कर मारा। पुलिस मारी है, ड्राइवर मारा, पुलिस का ड्राइवर मारा, ड्राइवर मारा, सारा शरीर छोड़ के उसको मेन पार्ट ब्रेन होता है, ब्रेन पे ही हमला कर पुलिस आपको मारी है। देख सकते हैं ये लोग, कहाँ घर है भाई आपका? आरा जिला। अच्छा, रोहतास जिला। पुलिस क्यों मारा है? पुलिस हम डरे भाग पुलिस जो मारी है, क्या क्या रीजन होगा, क्यों मारा है पुलिस? कुछ नहीं, हम आगे गाड़ी ढकेल के मार दिया हमको। क्या गाड़ी उलट के मार दिया, लाते लाते पूरा मार दिया। क्या नाम है, क्या नाम है, पूरे परिवार का नाम क्या है? नाम क्या है? पूरा परिवार फैमिली लेके आ रहा है। यहाँ जो है सत्तू बेचते हैं, सत्तू बेचते हैं, सत्तू बेचते हैं।